दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बात करूंगा IDFC फर्स्ट बैंक की, और IDFC फर्स्ट बैंक में काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था, मैंने कहा था जब तक ये 44 के आसपास नहीं जाए तब तक इसमें भी कोई भी फ्रेश एंट्री प्लीज़ मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा निगेटिव दिख रहा है बाज़ार, बहुत ज़्यादा निगेटिव थे उस समय जब मैंने वीडियो बनाया था। 49 के आसपास ही शेयर चल रहा था, और अब 43 के बाद वापस से इसमें एक बाउंस बैक आया है। आप कह लीजिए आज 3% 3.5% से ज़्यादा का, तो क्या रीजंस हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या अब वापस से नई पोजीशन बनानी कर लेनी चाहिए, क्या बाजार में तेज़ी वापस आ गई है, आज की जो एक ज़बरदस्त रैली थी ये किस बात की ओर इशारा कर रही है, और हमें आने वाले में किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए दोस्तों। प्लस वी वैद्यनाथन साहब का धमाकेदार दोस्तों इंटरव्यू आया है, जो मैं आपको उनके कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स दिखाऊंगा, और अगर आप उसे थोड़ा पॉज करके देखिएगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन स्क्रॉल डाउन पूरा इंटरव्यू करूंगा। आप प्लीज़ उसे पढ़िएगा कभी पॉज करके, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ में ले जाऊंगा बहुत बड़ी वीडियो बन जाती दोस्तों, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अगर आप इसमें पहली बार आए हैं, क्योंकि आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक कर दे ताकि YouTube दूसरों को रिकमेंड करे, और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिए। आप चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ, आप देखिए 3.65% की आज तेजी आई है दोस्तों, ठीक है। और ये तेजी देखिए, आप इसे कह लीजिए कि एक डेड कैट बाउंस है, ठीक है, डेड कैट बाउंस है, क्योंकि बहुत समय की गिरावट के बाद आज बाजार ने एक बाउंस दिया है। देखिए समझिए, अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि खतरे के बादल पूरे मंडराए हैं, पूरे हट रहे हैं दोस्तों। देखिए, जब मैंने 49 के आसपास से कहा था ना थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, क्योंकि जो 52 है ना दोस्तों, 52 से लेकर 55 ये जो रेंज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहना चाहिए रेजिस्टेंस दोस्तों, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसे ये तोड़ने के लिए बाजार में ज़बरदस्त लिक्विडिटी, बाजार में तेज़ी, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से कोई बहुत बड़ी चीज़ अनाउंसमेंट होनी चाहिए, इन तमाम प्रकार की चीज़ें जब तक एक साथ नहीं आएंगी दोस्तों, कोई भी बड़ी रैली मुझे स्टॉक में बिल्कुल नहीं दिखती दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं आगे, तो आज क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक आ गया दोस्तों। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो देखिए, ऊपरी स्तरों पे से अगर आप देखिए तो एक समय में इसने 11% ज़्यादा की गिरावट दिखाई थी, और आज तो बाउंस आ गया तो लगभग 3.5% की। और पिछले अगर आप एक साल में देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको मैं एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नीचे आया 40 रुपये, सिर्फ एक बार ये था जब मौका था, तब उसके बाद से 1.46, ये 2.45, 3, ये 4, ये 5। अब ये लाइन देखें ज़रा सा, ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन, ये इसी के आसपास ये ट्रेवल कर रहा है, 1 हो गया, 2, आज इस बार 3, और इसी के आसपास ये 4 था दोस्तों। तो ये जो रेंज है दोस्तों, ये बहुत मुश्किल से ये टूटेगा दोस्तों, और ये जो रेंज है नीचे जो टूटी भी है ₹40, तो जो 40 रुपीज़ है ये बहुत बड़े इसका सपोर्ट है, और कहना चाहिए ये सपोर्ट तो दोस्तों अगर टूटता है क्लोजिंग बेस पे और एक दिन सस्टेन कर जाता है, टेक्निकली IDFC फर्स्ट बैंक बहुत वीक हो जाएगा दोस्तों। और ये रेंज जो कि आती है 44 से लेकर के 46, ये इसके नियर टर्म में एक बहुत अच्छा आप कह लीजिए सपोर्ट है, और हमेशा इसे बाउंस बैक करता है दोस्तों। इस बार भी ये वहीं से बाउंस बैक किया है, और बहुत अच्छे अच्छे स्विंग ट्रेड्स देता है दोस्तों। ये ऊपरी स्तर में देखिए 1, ये देखिए 2, ये 3, और ऊपरी स्तर में 51 से लेकर के 52 ये जाता है। तो वो निवेशक जो कह लीजिए 10-12% के एक आराम से एक स्विंग ट्रेड चाहते हैं, वो IDFC फर्स्ट बैंक में इन रेंज में ले सकते हैं। और ये बात दोस्तों मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, कि ये वो रेंज है जहाँ से IDFC फर्स्ट बैंक एक काफ़ी अच्छा कह लीजिए आप बहुत अच्छा बाउंस देता है। और इस बार वापस से जब इतना डरावना इतनी डरावनी गिरावट पूरे बाजार में हर स्टॉक्स में हुई, इस शेयर ने वापस से वहीं से बाउंस बैक किया दोस्तों, ठीक है। तो जो निवेशक कहना चाहिए थोड़े से ट्रेड ले सकते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों, अगर बाजार में देखिए अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, अगर अभी भी कुछ भी गलती से कुछ भी आप कह लीजिए रशिया की तरफ से कुछ भी एग्रेशन जाता है, जस्ट टू थ्रेटन द अदर कंट्री, एक वापस से गिरावट होगी दोस्तों। और अगर ऐसा होता है, और अगर IDFC फर्स्ट बैंक, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, 38 से लेकर के 40 के बीच में आपको मिल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और फॉर अ लॉन्गर टर्म मैं पर्सनली आपको बताऊं,
मैं इन्हीं रेंजेस से इसे खरीदना शुरू करूंगा। मेरा पर्सनली कोई भी इन्वेस्टमेंट का इसमें आइडिया भी नहीं दोस्तों। फिर से वर्ड सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट का ट्रेड 42-44 के आसपास हमेशा अच्छा मिलता है दोस्तों मेरे को। ये 46 से लेकर 51 बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते रहते हैं इसमें। लेकिन हाँ, अभी बाजार वीक है तो मैं IDFC फर्स्ट बैंक में उतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ, लेकिन गिरावट होती है 38 से 40 के बीच अगर ये स्टॉक मिलता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे लगता है ये शेयर होगा, ठीक है। और प्लस ऊपरी स्तरों पे जब तक दोस्तों ये 55 और उसके बाद 60 ये लेवल को नहीं तोड़ता दोस्तों, देखिए बहुत दूर है अभी तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई री रेटिंग हो कि ऐसा कौन सा लेवल है जहां से मैं एकदम कंफर्म हो जाऊँ कि यहां से मेरे पैसे अब बहुत तेजी से लगभग डबल हो जाएंगे, तो दोस्तों जब तक ये 60 रुपीज़ को नहीं तोड़ देता, और लिटरली में दोस्तों 60 को ऑन द क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉक जब तक नहीं तोड़ेगा IDFC फर्स्ट बैंक, ऐसा आप कह लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला। और देखिए जो वी वैद्यनाथन साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा अपने एक इंटरव्यू दिया है, आपको मैं इधर दिखाऊँ, ये देखिए कि भाई, और ये लाइन पढ़ी है, वी एक्सपेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंक्रीज फ्रॉम हियर इफ वी बिगिन टू स्केल अप द लोन बुक। ये कौन कह रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक के चीफ, कि भाई यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेंगे अगर हम यहाँ से अपना लोन बुक बढ़ाएं। और अब ग्रोथ को लेकर के विवेदना सब बहुत ज़्यादा कह लीजिए आप अच्छे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्या कह रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द बैंक्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी गोइंग अहेड, तो इनका बहुत सिंपल सा प्यारा आंसर है, द ग्रोथ स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल, इन द पास्ट 3 ईयर्स वी हैव लेड अ वेरी गुड फाउंडेशन। पिछले 3 सालों में इन्होंने बहुत अच्छी कह लीजिए एक फाउंडेशन रख दिया है जिसमें कासा परसेंटेज बहुत तगड़े हैं, जो डिपॉजिट बेस है वो बहुत अच्छी है, जो लीगल जो भी प्रॉब्लम्स इस कंपनी में IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के मर्जन को या जो भी लेकर के उनको इन्होंने टैकल कर लिया है। नाउ द की आइटम टू एड्रेस नाउ इज प्रॉफिटेबिलिटी, एंड वी बिलीव दैट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड पीपल विल गेट टू सी द प्रॉफिट इमर्जेस फ्रॉम दिस बैंक। नेक्स्ट क्वार्टर से वी वैद्यनाथन साहब कह रहे हैं कि अब हमारी जो कहना चाहिए जो एक प्राइम फोकस रहेगा वो अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों। अब ग्रोथ तो अच्छी खासी हो गई, फाउंडेशन हो गया, अब कहना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी है, और ये मैं कहूंगा बहुत अच्छा नजर है फॉर कहना फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो आप इसे रुक के पूरा देखिएगा दोस्तों, इस इंटरव्यू को मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लो ताकि आपकी नज़र में रहे, आप रुक रुक के आराम से देखिएगा इसे। और मुझे लगता है कि ये वाकई में दोस्तों बहुत ही अच्छा है कि आने वाले समय में ये अच्छा बैंक हो सकता है और अच्छे लेवल्स मिल जाए। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।